तुम्हारे अब्बा तो वैसे बीमार चल रहे हैं और पप्पो वो तो बोनस में जिंदा है। नहीं चीप कॉमेडी ना अपने पास रखो। अब वो हमारी कफालत नहीं करेगा, वैसे भी जब किसी की बीवी आ जाती है तो वो बर्दाश्त करेगी कि उसका शौहर। अरे बस करो यार, सब पता है मुझे, सब पता है। क्या पता है, क्या पता है तुझे, बता बता क्या पता है। इतने इतने से पिद्दों को अपना खून देके मैंने बड़ा किया। समझाता था कि बार बार उसकी साइडें ना ले, मारा जाएगा किसी दिन। मर गए। तेरा बेटा मर गया। लाश लाश पड़ी है थाने में उसकी। डॉक्टर अजहर आलम जी। हेलो हेलो जी, डॉक्टर अरियर सरान बात कर रहे हैं जी? हाँ, वो मैंने अपने बेटे के बारे में जरा सी कुछ मालूमात करनी थी। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अरे उसने इतने मजे का खाना बनाया और तुम ये बाहर की चीजें खा रहे हो? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो खाना मैंने बनाया था। अरे इतना सुगड़ हो गया मेरा बेटा, वाह। भूख लग रही थी मुझे, किचन में गया तो खाने के लिए कुछ था नहीं, तो सोचा कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना करूं, खुद ही बना। बाय द वे, आलू कच्चे तो नहीं थे? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक थे। एक चम्मच ऑयल ने बनाया। अच्छा, बहुत अच्छा था भाई, बहुत मजे का था। कहूं दिल से, देखो वो भी बहुत अच्छी, तुम भी अच्छे। इंसान एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम तो लेता है ना। वो तुम्हें पसंद करती है, वो यहीं पे रहना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। देखो मेरा बच्चा, अगर बात को बनाना चाहो तो बात बन जाती है, बिगाड़ना तो दुनिया का आसान तरीन काम है ना। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये देखो कि एक बहुत अच्छे डॉक्टर है। हाँ मैंने इनके रिव्यू गूगल पे पढ़े हैं, इनसे मिलने भी गई थी,
मैंने जब तुम्हारे बारे में इन्हें बताया तो कहने लगे कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर इसका ट्रीटमेंट लिया जाए मुस्तकिल मिजाजी के साथ तो तुम्हारा ये जो प्रॉब्लम है ना मेरा मतलब है बेटा बहुत अच्छे डॉक्टर बोल रहा होगा ना, मजाक कर रहा होगा, बहुत आदत है उसे मजाक करने की। और बशारा तो सलमान की लगती भी बहुत थी, मैं तो कहती थी तुम दोनों ऊपर तले के भाई लगते हो, उन्हीं की होती है ऐसे खटपट। शरत का फोन आया था, कह रहा था कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वो लाश हवाले की। लाश? लाश किसको बोला तूने? किसको बोला? सलमान नाम है मेरे बेटे का, लाश बोलते शर्म नहीं आती? एक माँ के सामने उसके जवान बेटे को लाश बोल दिया। हाँ तुझे क्या पता, तू मां नहीं बनी ना, तू नहीं समझेगी तकलीफ होती है। आ गया देखा, आ गया बेचारा, सलमान को लेके ही आया होगा। सलमान आ गया बेटा, सलमान, सलमान का सलमान, ए सलमान, ए सलमान कहाँ है? लाया क्यों नहीं तू उसे साथ? कहाँ है बेचारा, बता ना सलमान कहाँ है? सलमान कभी नहीं आएगा भाभी। पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है? सलमान भी आएगा, आएगा सलमान तो यही होगा ना सलमान। नहीं 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 Thank you.
कब लाओगे उसे? दफनाती है। ईशा की ईशा की बात उसकी नमाज़े जनाज़ा थी। भाभी को तो दिखा देते आखिरी बार उसका चेहरा। किसे देखने देता यार? रूह कांप गई थी मेरी उसे देखकर। तब चेहरा सामने से नहीं जा रहा। अभी तो मर जाती यार, पागल हो जाती भाभी तो। दुआई दी है मैंने उसे यार, रात उठते जागते उसकी माँ के सामने मर के अब कैसे भूल सकते हो? खराब कर रही है इसको खुद, मैं तुझे बता रहा हूं। मारा जाएगा किसी दिन पुलिस मुकाबले में। ये वाह भाई वाह, यतीम खाने से चंदा लेने जा रहे थे क्या तू?
माँ देखो 1000 रुपए का नोट दिया था, कुछ एक आना उसने। टीपू सुल्तान के साथ डेट पे कब जाओगी? अरे हमारे साथ वीडियो बना लो, फेसबुक पर डालेंगे। अरे वही अदाएं दिखाइएगा जो अनारकली वाली वीडियो में दिखाई थी। काशी, काशी, क्या मुसीबत है तुम लोगों को? से कौन बात कर रहा है? ककड़ी। काशी, ककड़ी, ककड़ी नजर आ रही। ककड़ी किसको बोला? अबे, अबे, ककड़ी किसको बोला? अबे, लगे, अबे, चोर, बोला? अबे, चोर। नजर नहीं आना। काशी जाहिद कमाली करती है, बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाती ना, अगर मैं अस्पताल में पड़ा होता ये। हाँ वैसे अगर मेरे जोड़ों में दर्द ना होता ना, मैं भी वो सीख लेती कटारे। कटारे नहीं खराटे। हाँ वो ही ना। चल से बात तो कर लिया करो, मैं दिन हो गया है बोलना ही छोड़ दिया था। मैं किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता। अभी और मैं घंटों एक दूसरे के सामने बैठे रहते, उनसे बात नहीं करता। जब कभी सलमान का जिक्र आ जाए वो बेचारी रो पड़ती, सारी बात वही कर। ऐसा तो लगता है हम दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी इस बात पर। जाने वाले तो चले जाते, इंसान मर तो नहीं जाता उनकी जान, जिंदगी गुजारनी पड़ती है। सब्र आ जाता है। जो सब्र नहीं आएगा, नहीं आएगा सब्र, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देखो इंसान को ना चाहते हुए भी जिंदगी के सर्कल में दाखिल होना पड़ता है। तुम जॉब पर चले जाओ, तुम्हारा भी दिल लग जाएगा। मेरा काम करने का दिल नहीं चाहता, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा काम करने का। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई? तुम जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मेरा तुमसे इस वक्त बात करने का दिल नहीं चाह रहा, तुम जाओ। अच्छा, और तुम अपनी भाभी को घंटों तकते रहते हो, उनको तो नहीं कहते कि दफा हो जाओ, दूर हो जाओ? उसका मेरा दर्द का रिश्ता है, मैंने और उसने सलमान को खोया है, तुमने नहीं। तुम हमारे दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकती मैं महसूस, लेकिन मैं भी तुम्हारा हिस्सा हूँ। क्यों दूर कर रहे हो अपने आप से मुझे? तुम अंदर जाओ, जाओ इससे पहले कि मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कोई गलत बात निकल जाए। जाओ जाओ। तुम्हारे लेवल के आदमी से इतना हल्कापन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दिल कट गया यार, अंदर ही अंदर बहुत रो रही हूँ। तो लगा लेना अपना ध्यान, चार पैसे भी बनेंगे। और गलती हो गई मुझसे। गलती? कमरे में आ जाओ, अच्छा नहीं लगता। रुबीना ने भी नोट कर लिया। क्यों, दूसरों को दिखाने के लिए एक्टिंग करूं क्या? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते क्या? बताओ ना, करते हो या नहीं?
सच बोलना बुरा नहीं मानूंगी। करता हूँ। मैं भी करती हूँ। एक आध इंची कसर ना बिरयानी के चावलों में भी रह जाती है। उससे होता कुछ नहीं है, बस चावल कच्चे रह जाते हैं। कल को कोई मेरा भी याद निकल सकता है, लेकिन मैं उसको तुम्हारी तरह अना का मसला नहीं बनाऊंगी। खुद को चेंज करूंगी तुम्हारे लिए। आज रुबीना ना इतनी खुश थी, कहने लगी अरे भाई ये तो अच्छे ट्रीटमेंट से भी दूर किया जा सकता है। बात भी की है कई डॉक्टर से और शायद मिलने भी गई है। मैं तुम्हें बहुत अलग समझने लगी हूँ शुएब। तुम उन मर्दों जैसे मत बनो जो औरत के सामने खुद को मुकम्मल बनाने के चक्करों में खुद को उसकी नजरों के सामने गिरा देते हैं। तुम बहुत प्यारे हो मुझे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बहुत दिल से कह रही हूँ मैं ये बात। अब उठो चलो मेरे साथ, चलो ना। बशारत, बशारत, भाभी, चलो जल्दी जल्दी आओ, जाओ भाग के अपने कमरे में जाओ, जाके मुंह धो, मुंह खड़े करे दे, देख रहे हो क्या? क्या बच्चे सुन आ रही, बड़ी देर करती तुमने, क्यों इतनी देर तो नहीं होती तुम्हें आमतौर पर? अबू की तबीयत ठीक नहीं थी, अम्मी का फोन आ गया था, घर चली गई थी। सच में बशारत मैं कहाँ जाऊँ? मजाक भैया, क्या हो गया, दिल पे क्यों ले रही हो? चाय पिएगा? हाँ भाभी, सर फट रहा है, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। अच्छा सुन, कल याद से ना कब्र पक्की करा दीजिए, बारिशें शुरू होने वाली हैं और मेरी सलमान की कब्र पे ना सदाबहार के फूल भी लगवा देना, बसंत है उसको बाहर। परेशान है भाभी बेचारी, बहुत रो रही थी, पहली बार देखा भी नहीं ना उसने, ले गया था कब्रिस्तान में। कम से कम मुझे फोन करके तो बता देते। बीबी कब्रिस्तान लेकर गया था, सिनेमा हॉल नहीं लेकर गया था, इन सबको भी मनादी कराता फिरता। चाबी थी ना तुम्हारे पास घर की, तो फिर ऐसे मत किया करो, यूं अचानक माथे पे आंखें रख लेना, बिल्कुल लातालुक से बन जाना। अच्छा, अपना चिड़चिड़ापन नजर नहीं आता तुझे? अच्छा सॉरी, बात को समझा कर, इस पर बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, खास तौर पर भाभी। मैं अगर उसकी मदद ना करूंगा तो वो कूद कर जान दे दे अपनी, इतना छोटा और हसास दिल है उसका। जाओ अच्छे से जाकर बात करो, ये बाहर से थकी आ रही आई है, बेचारी चाय बनाने के लिए चली गई, मदद करो उसकी, जाओ ना। Thank you.
मसाले वाली भिंडी बहुत अच्छी बनाती है भाभी। और खाना ही अच्छा बनाती है। हाँ ये तो है, जायका है उनके हाथ। अम्मी के बाद भाभी के हाथ का खाना भी मुझे अच्छा लगता है। हमारी अम्मा के खाने में तो घी तेल तैर रहा होता है, मिर्चे ऐसे झोंक देती है कि भाभी सादा दाल भी बनाती है ना तो इतनी मजेदार होती है कि मैं अपनी उंगलियां चाटने लगती हूँ। खाओगे? निवाला बना के दो। नहीं, भाभी और बच्चों को कब्रिस्तान से वापस लेकर आ रहा था तो उन लोगों को पापोश से तिक्का खिला दिया था, मुर्गी का सूप भी खिला दिया। मेरे लिए तिक्का नहीं लाए, इतने खबीज होता। ला देता हूँ, बराबर चुरंगी नहीं। नहीं नहीं रहने दो, लाड में कह रही। इधर आओ, आओ ना आओ। कभी कभी बहुत प्यार आता है, सोचती हूँ जो इंसान अपनी बेवा भाभी और उसके बच्चों का ख्याल अपने भाई के मरने के बाद भी इतनी जान मार के कर रहा, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता। जानती हूँ तो मैं, तुम अच्छे इंसान। सच कहूं तो आज जो तुमने कहा, तुम्हारे लेवल के आदमी से इतना हल्कापन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। दिल कट गया यार, अंदर ही अंदर बहुत रो रही हूँ। मुझे आदत नहीं है आंसू बहाने की। मेरी भी एक आदत है सब, जब कोई फैसला करना होता है ज्यादा वक्त नहीं होता। पिछले चंद दिन सलमान के मरने के बाद मैंने अपने साथ गुजारा, बहुत सी चीजें छन कर मेरे सामने आ गई। सॉरी भी नहीं कहोगे मुझसे? सॉरी। बस इतने से पे मान जाती हूँ। बताओ और कोई डिमांड्स है नहीं? मुझे बस अपने कदम से कदम मिलाने वाला एक तोहफा चाहिए, तो सिर्फ मुझसे सिंसियर हो बस, सच में बस। ना गाड़ी, ना पैसा, ना घर, ना कुछ भी नहीं। खुदा करे इस बार ऐसा ही छोड़।
खुदा करे इस बार ऐसा ही शुरू। शुरू हो गई ना जिंदगी में फिर से परेशानियां। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? तुम्हारे चेहरे से सब कुछ जाहिर हो जाता है। तुम अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकती मुझसे। आइंदा ये इंक्वायरी मत करना मुझसे, वरना समझती क्या हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हारा खाती हूँ, तुम्हारा पहनती हूँ, तुम मेरी माँ बनती फिरती हो। ये गंदी जबान, ये जहालत उसी की देन है जिससे मोहब्बत की तुमने, और वो यही दे सकता था तुम्हें। एक लफ्ज नहीं तो तुम्हारे मशवरे के मुताबिक मैं उस उल्लू के डैड से शादी कर लेती। हाँ, जो सबके सामने शरीफ बनता फिरता था और फिर बाद में मुझसे रोमांस जाता था। कंफ्यूज्ड और पागल हो तुम दोनों। मुझे नहीं चलानी थी उसे शादी करके की घटिया कहानी जिसका स्क्रीन प्ले तुम्हारा लिखा हुआ होता। मुझे बात मत करना, मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। घटिया एक नंबर की। जानती हूँ खत्म हो रही है तुम्हारी तीसरी शादी थी। बात नहीं करनी तो ना करो। उसे बता देना अगर दो दिन में उसने कैफे ज्वाइन नहीं किया तो मुअज्जिन सर किसी और को रख लेंगे। और झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने अपने कजन का कहा हुआ है उनसे। भाभी खाने में क्या बनाया? तू क्या खाएगा बता, मैं बना दे। नहीं 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 रहने दे, तू क्या खाना बनाएगी आज? ना बना मैं ऐसा करूंगा कि निहारी और नान ले आता हूँ जाके। चैन ही नहीं आता, करार ही नहीं आता। मुझे इसकी कब्र पे ले जाओ, वहां जाके लगता है इसके करीब हूं। दूर दूर तो पहले ही हो गया लेकिन इत्मीनान था ना। उसकी गलतियों पे दो थप्पड़ लगाऊंगी उसके मुंह पे और चट चट प्यार। अब तो कब्बखत को ढूंढने भी जाऊं तो कहीं नहीं मिले। तुझे कल समझाया था ना मैंने, रोना नहीं है ठीक है? होएगी तो उसकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी, समझाया है ना? है ना? मैं इसकी कब्र पे फूल लगवा दिए। सदाबहार बहुत पसंद है उसको। एक दिन वो सीमा बाजी नहीं है, उनके बेटे की शादी में जा रही थी, मैं साड़ी पहन के तैयार हुई तो मैं बालों में ना फूल लगा दिए तो मैंने कहा क्या कर रहा तुम? तो कहता है कि मुझे गुलाब के फूल नहीं पसंद। सदाबहार ही लगवाए? हाँ सदाबहार, तूने मुझसे कहा था ना जब मैंने तभी लगवा दिए थे। हाँ और पीटा करता था मैं उसे, इतना मारता था, फूल तो लगवा सकते हैं उसकी कभी। और लड़के को ये भी कह दिया मैंने कि उसे कहा था कि हर महीने तुझे पैसे दे दिया करूंगा और तू हमारे सलमान की कब्र का ख्याल रख। हम दोनों का सलमान था ना।
लेके। कहाँ गए थे? क्लिनिक गया था, अम्मी के बताए हुए डॉक्टर के पास। वो आलू चने की चाट तो बना दे जरा, जो तुमने अपनी काठियावाड़ी सहेली से नहीं सीखी थी। बना देती हूँ। बर्तन मुझे दे देना, मैं रहता हूँ। अरे छोड़ दे, बेढंगा कहीं का, कहाँ की चीज कहाँ रखेगा, मैं सारा दिन ढूंढती रह जाऊंगी। अच्छा तू बैठ ना, बैठ बैठ। तुझे कंपोजिंग सीखने का शौक है? मैं सिखाता हूँ तुझे कंपोजिंग। तुझे याद है वो मुदस्सर, मेरा दोस्त जो 10-15 साल पहले यहाँ मोहल्ले में क्रिकेट खेलने के लिए आया करता था? भाभी, वो जो कहता था कि मुझे अपनी भाभी के हाथ की कड़क चाय और मीठा पराठा खिला दे। हमेशा कहता था कि जितना कुरकुरा और सिका सिका पराठा तेरी भाभी बनाती है ना, ऐसा मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा वो मुदस्सिर जो है ना, वो अफसर लग गया और उसने जुगाड़ लगाकर मुझे एक काम भी दिलवाया। इसके अलावा एक और आसामी फसाई है मैंने, ये MBA और MPhil करने वाले जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये जो थीसिस लिखते हैं उसको कंपोज करने का काम भी मिल रहा है मुझे। मुदस्सर मुझसे कह रहा था कि वो अपना कमीशन रख के ना अच्छी रकम मुझे दे दिया करेगा, और मैं तुझे कंपोजिंग सिखाऊंगा ना। 8-10 दिन दे दे मुझे, 8-10 दिन में तुझे कंपोजिंग ना सिखाई तो मेरा नाम बदल दीजिए। वो मेरा दोस्त है ना बिलाल, उसने हंसी मजाक में अपनी बीवी को कंपोजिंग सिखा दी, आज दोनों मियां बीवी घर बैठकर पैसे कमा रहे हैं। मेरा प्यारा है रे तू, मेरा ध्यान बांटने के लिए सब बोल रहा है ना। तू लगा लेना अपना ध्यान, चार पैसे भी बनेंगे और गलती हो गई मुझसे। गलती? हाँ, लेकिन अगर मैं ये शादी ना करता ना तो मुझे कभी भी अपनी गलती का एहसास ना होता। कैसी गलती? अम्मा कहती थी अच्छा बगल में और ढिंढोरा सारे शहर, बस ये बात थी।